कि पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन कोरोना के बीच देश भर में चल रही लापरवाही से बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। आज देश के दो महानगरों दिल्ली और मुंबई में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। आज दिल्ली में 10,000 से ज्यादा तो मुंबई में 15,000 से ज्यादा नए केस आए। आपकी चिंता इस बात को सुनकर और बढ़ जाएगी कि देश में कोरोना का इलाज करने वाले डॉक्टर खुद बीमार होने के कगार पर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश भर के डॉक्टर्स में कोविड इन्फेक्शन होने की इस बार आशंका 5 से 10 गुना अधिक है। पिछले कुछ दिनों में देश के अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में सैकड़ों की संख्या में रेसिडेंट डॉक्टर्स की संक्रमित होने की खबर आ चुकी है। अब सोचिए, जब इलाज करने वाले डॉक्टर बीमार हो जाएंगे तो देश में हेल्थ सिस्टम कैसे चलेगा? इसीलिए खबरदार रहना चाहिए। एक जनवरी 22,000, 2 जनवरी 27,000, 3 जनवरी 37,000, 4 जनवरी 58,000। देश में नए साल की शुरुआत इस तरह होगी, इसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अभी साल का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और देश में कोरोना मरीजों की संख्या 1,44,000 के ऊपर पहुंच चुकी है। महानगरों का तो और भी बुरा हाल है। दिल्ली से मुंबई तक कोरोना को काबू करने वाले सारे प्लान फेल हो गए हैं, इसलिए लॉकडाउन वाले संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते में दिल्ली में 9 गुना स्पीड से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। मुंबई में कोरोना के मरीजों में संक्रमण की स्पीड 4 गुना है, जबकि कोलकाता में 4 से 5 गुना स्पीड से कोरोना केस बढ़ रहे हैं। मुंबई में जहां पर केस पॉजिटिविटी 17.2% बढ़ी है, केसेस में एक अत्यधिक इंक्रीज नोट किया जा रहा है। कलकत्ता में जो भी पिछले हफ्ते में टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ओवरऑल 44.5% वहां पर केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है। इसी तरह थाने हो, मुंबई सबर्बन हो, कर्नाटका हो, पुणे हो, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में 24 परगना नॉर्थ, ऐसे कुछ जिले हमने सैंपल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगता है कि एक इन्फेक्शन में अधिक स्प्रेड ओवरऑल हम नोट कर रहे हैं। दिल्ली में बेकाबू हो चुके कोरोना की रफ्तार को देखकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 5वीं लहर की भविष्यवाणी कर दी है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अब दिल्ली में कोविड के नए मरीजों का आंकड़ा 10,000 पार कर सकता है और आज ऐसा ही हुआ। अब देश में 3री लहर और दिल्ली के अंदर 5वीं लहर बिल्कुल आ चुकी है। केसेस कल 5,500 के आसपास थे और आज 10,000 के आसपास जो शाम तक बुलेटिन अभी कंपाइल किया जा रहा है डाटा, तो केसेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। बस ये संतोष की बात ये है कि सिम्टम्स जो है वो काफ़ी माइल्ड हैं पहले के मुकाबले। वैसे सत्येंद्र जैन कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। एक्सपर्ट्स ये आशंका जता चुके हैं कि दिल्ली में 8 जनवरी के आसपास रोजाना 8 से 9 हजार केस आ सकते हैं और 15 जनवरी तक ये आंकड़ा बढ़कर 20 से 25 हजार पहुंच सकता है। यही वजह है कि दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। लेकिन इस फैसले के बाद दिल्ली के मन में ये सवाल घूम रहा है कि जब 10,000 केस पर वीकेंड कर्फ्यू लगाया जा रहा है तो 25,000 केस पर दिल्ली फिर से कंप्लीट लॉकडाउन में चली जाएगी। हालांकि दिल्ली सरकार पहले ही कह चुकी है कि हालात विकट हैं। नहीं, ये तो सब कैलकुलेशन है ही, जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है तो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी आशंका है कि केसेस में हो भी सकते हैं। अब ये पहले भी हमेशा ये रहा है कि आप ये तो एक्सेल शीट का कैलकुलेशन है, आप जैसे करते चले जाओ उतना आगे बढ़ता चला जाएगा, किसी दिन ये नीचे आना शुरू होगा तो नीचे आ जाएगा। दिल्ली सरकार क्यों चिंतित है इसकी वजह भी समझिए। राजधानी में कल कोविड के 5,481 नए मरीज मिले हैं, 3 लोगों की मौत हुई है और संक्रमण दर छलांग लगाकर 8.37% तक पहुंच गई है। लेकिन आज दिल्ली में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ है। आज दिल्ली में नए मरीजों की संख्या 10 से ऊपर पहुंच गई और संक्रमण दर बढ़कर आज 11.88% हो गई। कोरोना के लगातार बढ़ते हुए मामलों ने दिल्ली वालों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में लगभग 5,500 नए कोरोना के मामले सामने आए, साथ ही 8.3% पॉजिटिविटी रेट दिल्ली में अब हो चुका है। इसके साथ जहां तक ओमाइक्रॉन वेरिएंट की बात है, दिल्ली फिलहाल पूरे देश में दूसरे नंबर में है ओमाइक्रॉन वेरिएंट के केसेस में
और इसी की वजह से दिल्ली में लगातार नए रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं। कल डीडीएमए की बैठक में वीकेंड कर्फ्यू का आदेश जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट ऑफिसेज में सिर्फ अब 50% कर्मचारी ही दफ्तर आ पाएंगे और सरकारी ऑफिसेज के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम मोड में काम करने का आदेश दे दिया गया है। यानी कि दिल्ली में पहले नाइट कर्फ्यू के बाद अब वीकेंड कर्फ्यू भी लगा दिया गया है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरोना के मामलों में दिल्ली में लगातार इजाफा हो रहा है। अब दिल्ली में कोरोना ग्राफ भी देखिए। पिछले 7 दिनों में कोविड के मामले राजधानी में करीब 6 गुना बढ़ गए। 29 दिसंबर को कोविड के 923 मरीज आए थे, 30 दिसंबर को 1313 हो गया, 31 दिसंबर को 1796, 1 जनवरी को 2716, 2 जनवरी को 3194, 3 जनवरी को 4099 नए केस आए, जबकि कल यानी 4 जनवरी को 5481 नए केस। और अब इस हालात ने सबको डरा दिया है। इस ग्राफ से साफ नजर आ रहा है कि संक्रमण दर में खतरनाक रफ्तार से इजाफा हो रहा है। माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन की वजह से कोविड संक्रमण ने रफ्तार पकड़ी है, लेकिन कोविड केस बढ़ने के बाद सभी मरीजों की जीनोम सीक्वेंसिंग बंद हो चुकी है। ऐसे में कहना मुश्किल है कि इसमें डेल्टा वाले कितने हैं और ओमिक्रॉन वाले कितने। सबकी ना जीनोम सीक्वेंसिंग हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है कि जब तक नंबर था 100-200 रोज आ रहा था तब तक सबकी कर रहे थे हम लोग। अब क्योंकि हजारों में आ रहा है तो इनकी जीनोम सीक्वेंसिंग इज नॉट पॉसिबल और आईसीएमआर ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग करने का लॉजिक नहीं बचता, तो सैंपल सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। तो उसके अंदर अभी भी कुछ पेशेंट्स डेल्टा के भी आ रहे हैं, कुछ दूसरे वेरियंट्स के भी आ रहे हैं, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि वो कौन से वेरियंट। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भारत में 40 से भी कम लैब है। ऐसे में केस बढ़ने पर ये तो होना ही था। दिल्ली से सबक लेते हुए उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच योगी सरकार ने पाबंदियों का पहरा लागू किया है। कोरोना की नई गाइडलाइंस के मुताबिक अब 10वीं तक के सभी स्कूलों को मकर संक्रांति तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सीएम योगी ने हालात की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए हैं कि जिन जिलों में कोरोना के एक्टिव मामले 1000 से ज्यादा हो जाएं, वहां जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट समेत सार्वजनिक स्थलों को 50% क्षमता के साथ संचालित किया जाए। इसके साथ ही शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोग शामिल न हो। जाहिर है तेजी से हालात बदल रहे हैं और इस स्थिति में अब और भी सख्त नियमों की दरकार है ताकि उत्तर प्रदेश को तीसरी लहर के संकट से बचाया जा सके। कोरोना की सुनामी से बचने के लिए सरकार की तैयारी से भी ज्यादा जरूरी है कि आप कितने सावधान हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं स्वयं के भरोसे भी लड़नी होगी। अमित भारद्वाज के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।